मध्य प्रदेश कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान करेगी, लेकिन इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती पर हमेशा से कार्यक्रम करती आ रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं को कभी मंदिर जाते हुए नहीं देखा, ये लोग सिर्फ इवेंट करने का काम करते हैं और भगवान राम को सिर्फ नेता के रूप में लेकर चलते हैं। इसके अलावा पीसी शर्मा ने महंगाई, अजय सिंह और कन्या विवाह योजना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर बना रहे, अरे ये राम मंदिर बना सकते हो, ये भगवान राम का जब तक आदेश नहीं होगा कोई राम मंदिर बनता है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट से केस क्लियर हुआ था तब बनाओ। और राजीव गांधी जी ने सबसे पहले 88-89 में वहाँ का ताला खुलवा के वहाँ पर आरती शुरू कराई थी। तो ये केवल इवेंट की बात करते हैं, भगवान राम को एक नेता के रूप में लेके चलते हैं। अजय सिंह जी लगातार विंध्य क्षेत्र में घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं। कमला जी गए थे तब वहाँ गए और उन्होंने बता दिया कि विंध्य में जब बाई इलेक्शन हुआ तो मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश का मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश से भी नेता आए थे, जिता नहीं पाए। और वहाँ अजय सिंह एक्टिव हुए तो वहाँ कांग्रेस जीत गई, 26-28 साल के बाद जीती। अरुण यादव जी पूरी तरह से एक्टिव हुए, आज कमलनाथ जी के साथ वो भी सलकनपुर गए। तो कहाँ है मामला? ये तो बीजेपी फेंकती रहती है कुछ कि कांग्रेस डिवाइडेड, कांग्रेस एक है, इकट्ठी है और पूरी ताकत से है। 2023 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक बार फिर सरकार बनेगी। बीजेपी और इनकी सरकार ये बात क्यों नहीं करती महंगाई की कि कैसे कम करेंगे? ये डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, लोहे का भाव 37 रुपये था 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार, आज 88 रुपये हो गया। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों दुर्लभ हो गए हैं। नौकरी देने जाते हैं तो व्यापम हो जाता है, लंबा भ्रष्टाचार, पैसे दो और नौकरी रहो। तो पूरी तरह से आज जनता त्रस्त है, परेशान है। कर्मचारी आज आंदोलन कर रहे हैं कि 2005 के पुरानी पेंशन जो ख़त्म की थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, उसको चालू किया जाए। एरियर्स नहीं दे रहे हैं, छठा वेतन जिनको मिला उनको महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है। व्यापारी जो छोटे थे उनका लॉकडाउन में बिल आया, भाई दुकान बंद है, काय का बिल? जो गरीब आदमी था झुग्गी वाला उसको उस समय का बिल दे दिया कोरोना का, वो दे नहीं पा रहे हैं, उनके बिजली कनेक्शन काट रहे हैं। त्राही त्राही मची है, किसान परेशान है, उसकी बिजली गुल हो रही है, बिजली मिल नहीं रही है, कहाँ से सिंचाई करेगा? ये हालत है इस सरकार में। वो सही कहा एक सीने कि जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार, इनके नेता मस्त हैं। ये तो चालू थी ना, इन्हें 27 की थी, कांग्रेस ने 51,000 किए थे। उसमें एक कहना है मेरा, ये पैसे 55,000 वो लड़की जिसकी शादी हो रही है इसको दे रहे, इसके अकाउंट में जाना चाहिए, सीधे अकाउंट में जाएँ कि ये सामान खरीदेंगे, दहेज का खरीदेंगे, वो बीच में पता लगा वहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पैसा खा जाएं। बेहतर यह है कि पूरे के पूरे 55,000 सीधे अकाउंट में डालो।